फिफ्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्लास सो फिफ्थ क्लास, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, टेक आउट पेज नंबर 60, चैप्टर नंबर 10, वैली ऑफ फ्लावर्स। आप लोग सब अपनी अपनी इंग्लिश की बुक्स निकालो। चैप्टर नंबर 10, वैली ऑफ फ्लावर्स, पेज नंबर 60 आज हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक आपका न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, वैली ऑफ फ्लावर्स, पेज नंबर 60 पे जो दे रखा है। पढ़ेंगे कि फ्लावर्स की वैली मतलब फूलों की वादियां भी होती है, और फूलों की वादियां हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे है जहां पर आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। क्लास, जहां पर आपको क्या मिलता है, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, वैली ऑफ फ्लावर्स। आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग डर्टी डे बाय डे ड्यू टू सम नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, वो बहुत ज्यादा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डर्टी होता जा रहा है ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से। और हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, हम लोग दिन पर दिन लोग जो ग्रीनरी है उनको कट करके वहाँ पर अपने बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा डर्टी होता जा रहा है। मतलब आप लोग अगर आजकल भी देखो क्लास, तो मतलब आपके स्काई में आपको थोड़ा सा स्मोक स्मोक सा दिखेगा ड्यू टू पोल्यूशन इतना बढ़ने की वजह से। जो स्मोक है वो ऊपर जाके स्काई में जम जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। और ये क्यों होता जा रहा है, ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसानों की वजह से, क्योंकि हम इंसान ही हमारी पृथ्वी का, हमारे हमारी अर्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, तो उस वजह से हमारा सारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता जा रहा है, गंदा। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। सो इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू मेक सम एफर्ट्स टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन ऑन देयर पार्ट। तो ये हम लोगों की ड्यूटी है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी है कि अपने आसपास का जितना भी एरिया है हमें साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो खराब ना हो और हम सेफली अपनी लाइफ को लास्ट तक, मतलब लॉन्ग, मतलब ज़्यादा जी सके। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ भी डेफिनेटली अच्छी होगी, और हम जल्दी ही और हम काफ़ी सालों तक जी सकते हैं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास का ध्यान रखें, अपने आसपास गंदगी ना रखें। लेट्स रीड द चैप्टर दैट हाउ एफर्ट्स ऑफ अ सिंगल पर्सन कैन प्रूव फ्रूटफुल। तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे एक पर्सन के, सिर्फ एक इंसान की वजह से, एक इंसान के एफर्ट्स की वजह से, एक इंसान की मतलब एक कहते ना एफर्ट, मतलब एक इंसान की क्षमता की वजह से कि उसने वो काम करना है, एक इंसान की वजह से हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, आप हम पढ़ते हैं। आरुषि, राखी, सलीम एंड राहुल आर टूरिंग द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द हिमालय। आरुषि, राखी, सलीम और राहुल चार बच्चे क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने गए हैं, कहाँ पर, हिमालय में। देयर आर ओनली टूरिस्ट हू विजिट द वैली। ये बहुत सारे टूरिस्ट में से सिर्फ ये चार ही लोग थे जिन्होंने वैली घूमने का फैसला किया और फ्लावर्स ऑफ वैली घूमने के लिए कहा। दे आर अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग। ये चारों जो कि हिमालय की जो ब्यूटी है, जो हिमालय इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है कि अगर आप लोगों ने कभी, आप लोगों ने बचपन में भी देखना कि कितने सुंदर से जो बर्फ लगेरी होती है, कैसे चमकती है, व्हाइट शाइन मारती है धूप में, उस बर्फ में ऐसा लगता है कि जैसे क्रिस्टल जो शाइनिंग कर रहे हो। तो हिमालय की ब्यूटी बहुत सुंदर है, हिमालय बहुत सुंदर है। तो सिर्फ बहुत सारे टूरिस्ट में थे, सिर्फ ये चार लोग थे, आरुषि, राखी, सलीम एंड राहुल, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स देखने जा रहे थे। मोहन, देयर लोकल गाइड एक्सप्लेन टू देम द सीक्रेट्स ऑफ इट्स ब्यूटी। और जो मोहन था वो इन चारों लोगों को, इन चारों बच्चों के लिए एक सीक्रेट गाइड था, एक गाइड था जो उनको हिमालय की ब्यूटी बता रहा था। मोहन, व्हाट यू सी नाउ इज इट वे, इट वाज अ फ्यू इयर्स एगो। क्या आप
देख सकते हो ये जो वे है ये कुछ ही साल पहले बना है। सलीम, Why Mohan was it different? क्या ये थोड़ा सा different है? सलीम ने पूछा, Mohan, it was dirty and stinking because lakhs of mindless tourists would leave garbage behind. ये जो आप वे देख रहे हो, ये जो आप सड़क देख रहे हो, ये जो आप छोटा सा पाथ देख रहे हो, ये इस टाइम इससे इतना ज्यादा क्लीन है क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर जो माइंडलेस टूरिस्ट होते थे, जो पागल टूरिस्ट होते थे, जो बेकार लोग होते थे, वो खा के वहीं फेंक देते थे। उस वजह से इस वे में इतनी ज्यादा गंदगी हो गई थी कि आप बिल्कुल भी इस वे से चल नहीं सकते थे और इतनी ज्यादा स्मेल आती थी इस वे से। रिसेंटली दिस वैली एंड द नेबरिंग नंदा देवी नेशनल पार्क हैव बीन क्लीन्ड बिकॉज़ ऑफ द एफर्ट ऑफ वन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर। और ये थोड़े दिन पहले ही ये पूरी वैली को साफ करा गया है वैली के कुछ लोगों ने मिलके, और नंदा और देवी नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है वहाँ के कुछ ऑफिसर्स ने मिलके, और क्या बोलते हैं मैंने मतलब हमारे ऑफिसर्स ने मिलके ये पूरे वैली को साफ करा है। ठीक है, ये पूरे वैली को साफ करा है और ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ एक वन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर की वजह से ये पूरी वैली साफ करने में हम कामयाब। ठीक है क्लास, यहाँ तक एक बार आप लोग पढ़ो फिर हम आगे चलेंगे। रीड करा क्लास यहाँ तक, चलिएगा आगे चलते हैं। मोहन ने बताया कि कुछ टाइम पहले जो हम हिमालयस की ब्यूटी फ्लावर्स के रस्ते जो रस्ते से हम वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं कुछ टाइम पहले ये इतना गंदा था, इतना ज्यादा यहाँ से बदबू आती थी बिकॉज बहुत सारे बेवकूफ माइंडलेस मतलब पागल टूरिस्ट जो थे वो यहाँ पर गंदगी फेंक जाते थे, गार्बेज फेंक जाते थे, इतना गंद मचा दिया था कि यहाँ के पाथ से निकलना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बट
यहाँ पर नेबर में मतलब इस फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर्स के थोड़े से आगे जाके नंदा देवी नेशनल पार्क है। उस नेशनल पार्क में एक फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर ने कुछ लोगों की हेल्प से ये पूरा पार्क को साफ कर। तो आरुषि कहती है, हु इज इट, आरुषि कहती है ये कौन है। मोहन कहते हैं मैडम ज्योत्सना सिप्लिंग। मैडम ज्योत्सना सिप्लिंग कौन थी? फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर थी जिन्होंने पूरे पार्क को साफ जाता है। She not only began a repair project in this Himalaya state of Uttarakhand, but has also helped the Valley of Flowers to win the status of World Heritage Site. मैडम ज्योत्सना सिप्लिंग ने ना कि सिर्फ इस पाथ को साफ कराया, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट छेड़ दिया, उन्होंने ऐसा काम किया कि यहाँ पर जो भी टूट फूट गए मतलब जो भी रिपेयरिंग का काम है, तोड़ फोड़ के न्यू करना है या खराब हो गया उसको न्यू करना है, वो सारा काम मैडम ज्योत्सना सिप्लिंग ने काम कराया उत्तराखंड में। और उन्होंने ये भी हेल्प करी कि फ्लावर ऑफ वैली को वर्ल्ड मतलब उन्होंने ये भी हेल्प करी कि फ्लावर ऑफ वैली को कौन सा स्टेटस मिला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला, मतलब दुनिया में सबसे सुंदर जगह देखने के लिए है तो वैली ऑफ फ्लावर्स है। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड वी अनाउंस इट वेरी प्राउडली टू ऑल द टूरिस्ट। और ये जो मैटर है, ये जो चीज है जो हमारी वैली ऑफ फ्लावर को एक नाम मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, हमें बहुत ही प्राउड होता है बहुत बात बताते हुए कि हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स को ये स्टेटस मिला है। राहुल मोहन कैन यू टेल अस हाउ दिस चेंज कम अबाउट। मोहन राहुल मोहन से पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि ये चेंज कैसे आया। मोहन मैडम सिप्लिंग वर्क इन्वॉल्व क्लियरिंग द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। मैडम सिप्लिंग जो थी वो किस में इन्वॉल्व थी? नंदा देवी रिजर्व बायोस्फीयर मतलब जो कि जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहते हैं उनकी साफ सफाई कर मतलब उनकी साफ के में वो मैनेजर थी, ऑफिसर थी। हाई पाइल्स ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट व्हिच हैड बीन डंप बाय टूरिस्ट ओवर द लास्ट 30 ईयर हैड टू बी क्लियर। और उन्होंने वहां पर जो पिछले 30 साल में लोगों ने वहां प्लास्टिक गन फेंका था उन सबको क्लियर करके वो पूरा फॉरेस्ट रिजर्व को बिल्कुल क्लियर कर दिया ना। आफ्टर दैट उन्होंने उस फॉरेस्ट रिजर्व को क्लीन करने के बाद उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स पे ध्यान दिया और जो उसके रास्ते में या वैली ऑफ फ्लावर्स में जितना भी गन था गार्बेज था उनको भी साफ कराने में उन्होंने बहुत सारी हेल्प की। ठीक है क्लास, एक बार यहाँ तक रीड करो आप लोग। डी डिटेल है क्लास वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके क्लास, रीड करा आप लोगों ने याद।